तो दोस्तों आज की अपडेट है 12th पास कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा ऑसम। सैलरी आपकी रहेगी 50,000 रुपये। आज की अपडेट निकली है NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से। पीछे नोटिफिकेशन है, पूरा डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद इन 3 to 4 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं क्लियर कर देता हूँ कि वीडियो किस किस कैंडिडेट के लिए होने वाली है। तो ये वीडियो में आपकी 12th पास है और आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को ना उस कैंडिडेट तक जरूर शेयर करना है जो कहते हैं ना आजकल यार जॉब्स कहाँ हैं, जॉब्स तो बहुत अवेलेबल हैं अगर आप डिजर्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू PSU एंड गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी रिजल्ट। तो इस नोटिफिकेशन में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या प्रोफाइल और कैसे आपको अप्लाई करना है। स्टार्टिंग में यहाँ पे एजेंसी के बारे में बताया गया है जो कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है। ये एक सरकारी विभाग है, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब होने वाली है, परमानेंट जॉब आपकी यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे आपकी 4 प्रोफाइल पे जॉब निकली है। पहली आपकी जूनियर इंजीनियर की है जो सिविल पे निकली है, और यहाँ पे लेवल ऑफ पे भी दे रखा है जो आपका 6 रहने वाला है। तो ब्रैकेट में दे रखा है कि आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं ऑन एन एवरेज आपको सैलरी बताऊं तो 80 to 85,000 आपकी सैलरी हो सकती है यहाँ पे। और आपकी टोटल नंबर वैकेंसी 2 है, एज लिमिट 18 से 27 है। सेकंड आपकी जूनियर अकाउंटेंट के निकली है। अगेन यहाँ पे आपकी लेवल 5 पे जॉब निकली है जिसपे अंदर आपकी सैलरी 70,000 के अप्रोक्स आएगी। टोटल नंबर वैकेंसी 1 है, एज आपकी 18 to 27 डिमांड करी गई है। देन आपकी अपर डिविजन क्लर्क निकली है, मतलब ये क्लर्क की निकली है। एक होता है लोअर डिविजन क्लर्क, एक होता है अपर। ये अपर डिविजन क्लर्क निकली है जहाँ पे आपकी लेवल 4 पे रहेगा, जहाँ पे आपकी सैलरी इट इज अराउंड 60 की रहेगी। और आपकी एक नंबर वैकेंसी निकली है, मतलब टोटल एक ही वैकेंसी निकली है, एज आपकी 18 से 27 है। देन आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जॉब निकली है, जहाँ पे स्टेनोग्राफर आपका स्किल सेट मैंडेटरी रखा गया है। और ये काफी ज्यादा कमेंट आते थे मुझे स्टेनोग्राफी को लेकर, तो उन सभी कैंडिडेट को बोलना चाहूंगा आप जरूर अप्लाई करें। अब नंबर पोस्ट की बात करें तो जस्ट 3 है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट कहेंगे सर क्या ही अप्लाई करें, पर आपको एक चाहिए, आपको 3 चाहिए, आपको एक चाहिए। तो आपको ये नहीं देखना कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। अगर आप डिजर्व करते हो और आपको लगता है आप कैपेबल हो तो डेफिनेटली ये जॉब, ये 3 वैकेंसी भी उनमें से एक आपकी हो सकती है। यहाँ पे एज की बात करें 18 से 27 रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशन क्राइटेरिया दिया गया है, मतलब किस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए क्या क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। और यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई है, एक है आपकी एसेंशियल और दूसरी है आपकी डिजायरेबल। तो एसेंशियल होता है मैंडेटरी है, और डिजायरेबल क्या होता है कि अगर आपके पास ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एसेंशियल है जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर, वो आपका डिप्लोमा है, और जो डिजायरेबल है वो डिग्री है, किसके अंदर, सिविल के अंदर। उसके बाद आपकी जूनियर अकाउंटेंट की है जिसके अंदर एसेंशियल रखा गया है कि अगर आपके पास डिग्री है अकाउंटेंट की, यस यू कैन अप्लाई। और डिजायरेबल है अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है कैश में, या आपको कैश एंड अकाउंट के अंदर गवर्नमेंट PSU किसी भी सेक्टर के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, एसेंशियल मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, डिजायरेबल मतलब चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। देन आपका अपर डिविजन क्लर्क है जहाँ पे एसेंशियल आपकी डिग्री रखी गई है, एनी डिग्री, और डिजायरेबल नॉलेज होनी चाहिए आपको MS ऑफिस और MS वर्ड की। देन आपके स्टेनोग्राफर है जहाँ पे एसेंशियल रखा गया 12th पास, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। 12th पास आपने किसी भी स्ट्रीम, किसी भी बोर्ड से करा है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और स्किल शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि आपका जो फॉर्म है वो 23/4/2022 स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट इसकी 31/5/2022 है, मतलब 23 आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले आपको इस जॉब को अप्लाई कर देना है। उसके बाद लिखा गया है कि इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसकी क्या डेट होने वाली है वो आपको वेबसाइट पे, वो आपको मेल पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन आपके एप्लीकेशन फीस है थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है, मुझे भी लगा, पर जो है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। अगर आप जर्नल और OBC कैंडिडेट हैं आपको 840 रुपये पे करने हैं, अगर आप ST या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये पे करने हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से जो ये पर्टिकुलर फीस है ज़्यादा है, तो ये डिसाइड आपको करना है कि आप अप्लाई कर रहे हैं Yes or not। अगर आप कर रहे हैं तो जरूर करिए, नहीं कर रहे तो रीजन मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद आपका एज रिलैक्सेशन है, जैसे आपको सभी जॉब्स में एज रिलैक्सेशन मिलता है, यहां पे भी आपका एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया जिसके अंदर मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जहां पे आपसे 2 घंटे के अंदर 120 मिनट के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, जो कि आपके जनरल क्वेश्चन होंगे, थोड़े बहुत आपकी कोर डोमेन से रिलेटेड होंगे। उसके बाद कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन फाइनल
आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, तो इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे अप्लाई करना है, जिसका लिंक और जिसका ऑफिशियली वेबसाइट का यूआरएल लिंक आपको सारी चीजें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत ईजिली मिल जाएंगी। और देन आफ्टर इस नोटिफिकेशन में आपका एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट बताया गया, अगर आप कुछ भी चीटिंग वीटिंग करते हो तो आपको क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है कैंडिडेट की, जो बेसिक होती है आप रीड आउट कर सकते हैं। और देन लास्ट में यहाँ पे ये चीज मुझे काफी बेटर लगी, आजकल क्या होता है हर कैंडिडेट को कुछ ना कुछ पर्सनली कोई इशू आता है, यार मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरी ये इशू है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे मेल आईडी प्लस कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही अवेलेबल करवाए हैं, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी हेजिटेशन है कॉन्टैक्ट करने में, हम तो अवेलेबल हैं, नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।